महता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। शवासन करते करते सच में सो गए। सोनू, तेरे बाबा शवासन करते करते सच में सो गए। फोटोली फोटोली, हाँ मजा आएगा। मैं सोया नहीं हूँ। और मिसेस माधवी, जरा आप पत्नीगिरी बंद करेंगी प्लीज। या पत्नीगिरी कहते शायद, और नहीं तो क्या, मौका मिलते ही पति से मजाक करना शुरू। तो पति से मजाक करना तो पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार, नहीं नहीं, शादी सिद्ध अधिकारी होता है, नहीं का। वैसे आप सच में योग कर रहे थे या सो गए थे? खरं सांगा, खरं सांगा। माधवी, मैं योगासन ही कर रहा था, शवासन ही कर रहा था। तुमने मुझे डिस्टर्ब किया आके फोटो लो करके। सॉरी, काय झालं, मुझे ऐसा लगा कि आप सच में सो गए हैं, इसलिए मैंने सोनू को बुलाया और उसको कहा कि फोटो ले ले। बाबा, कहीं आप सच में सो तो नहीं गए थे? झाला, आई की संगत का असर हो गया ना तुम पे भी, तुम ही मजाक कर रही हो ना। अरे सोनू, मैं सो नहीं रहा था, योगा कर रहा था, शवासन में आंखें बंद करके मन को शांत कर रहा था, ध्यान में चला गया था मैं। असं नाही करायचं, अकेले चले गए, हमें नहीं लेके गया। ए देवा, ये क्या गलती हो गई मेरे से, मैं अकेला चला गया ध्यान में, परिवार को लेके नहीं गया। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, अब मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। हाँ चलो, आ जाओ तुम दोनों मेरे साथ अभी ध्यान में चलो। हाँ या हाँ, तो और कभी चलो फटाफट। देखो क्या करना होता है, ऐसे पहले बैठना होता है, फिर आराम से ऐसे लेटना होता है, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करनी है और मुंह भी बंद ही रखना होता है माधवी। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं ना, इससे मेरा मुंह खुला है। अभी शांति से सुनो, बीच बीच में मत बोलो। नहीं सॉरी। योग करने से पहले अपने सारे विचार बंद कर दो, अपने आसन पर पूरा ध्यान दो। योग करने से मन शांत होता है, दिन अच्छा जाता है, नींद अच्छी आती है, सपने भी अच्छे आते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है और गुस्सा कम हो जाता है। चलो आ जाओ, सोनू तुम इधर आओ, माधवी तुम इधर आओ। नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी तुमने बोला था कि अकेले चले गए, असं नाही करायचं, माता काय, आ जाओ ना। बाबा, हम कल सुबह जल्दी उठ के आपके साथ योग करेंगे। अच्छा आइडिया है। कल सुबह करते हैं हम लोग योग। अभी किचन का योग है ना, आप कीजिए ना, आप इतना मस्त कर रहे थे ना, मस्त लग रहा था, आप कीजिए। अभी शांति से मुझे योग करने दो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं अपने मन को शांत रखना चाहता हूँ। अच्छा थैंक यू। ना किसी से लेना देना है, ये हट के टापू सेना। ना किसी से लेना देना है, ये हट के टापू सेना। है ये हट के टापू सेना। ना किसी से ये कहना, क्योंकि सबको ये पता है, सबको ये पता है, अपनी टापू सेना है, ये अपनी टापू सेना। टापू सेना है शानदार, जानदार, ईमानदार, जोरदार, मजदार, पहरेदार। रविवार सोमवार, दिलदार, चमकदार, अपनी टप्पू सेना है, ये अपनी टप्पू सेना है। कैसा लगा गाना? कैसा लगा? कैसा लगा? मार्क्स क्या हो गया? हो गया। बता टप्पू सेना, तुम लोगों ने जो गाना गाया ना अभी, उसमें जो सुर था ना, सुर, वो ऊपर नीचे पूरा बिखरा पड़ा हुआ। गाने में मस्ती ज्यादा थी, और जो अंदाज था ना गाने का, वो सामने वाले को परेशान करने वाला। अगर ज्यादा गाते ना तो सिरदर्द और बढ़ सकता था, इसलिए आपको गाने के मैं 10 में से 3 मार्क्स दूंगा। हाँ, और 3 मार्क्स भी इसलिए क्योंकि आपका गाना जल्दी खत्म हो गया। थैंक यू संगीत गुरु भिड़े महाराज श्री। माधवी आंटी आप बताइए आपको टपू सेना का गाना कैसा लगा? अरे मस्त, कमालदार, मजेदार, बहारदार एकदम। मेरी तरफ से 10 में से 10 मार्क आपको। थैंक यू माधवी आंटी, यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। हाँ थैंक यू। सोनू तू बता तुझे कैसा लगा गाना? हाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए सुपरस्टार है तो 10 आउट ऑफ 10 और ये गाना सुनकर मैं बहुत खुश हुई तो 10 एक्स्ट्रा बोनस मार्क। तो एक वोट अपील कर लेते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, तो आपको अगर टप्पू सेना का सॉन्ग पसंद आया हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर, स्क्रीन ना फ्लैट होती है, वहाँ पे फैट है फैट। अभी आपके संगीत का सफर यहीं पे समाप्त होता है। क्या मैं जान सकता हूँ सुबह सुबह यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। अरे तो बोलोगे तो जानूंगा ना भाई, बोलो तो सही। कुछ भी बताने से पहले हमारे आदरणीय और सम्माननीय भिड़े परिवार को हम टप्पू सेना की तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भिड़े अंकल आप शायद योग कर रहे थे तो हम लोग ने आपको डिस्टर्ब किया, तो आप योग करिए, हम लोग बाद में। हाँ हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम लोग 2-3 घंटे बाद आते हैं। चलो फ्रेंड्स। रुको, अभी डिस्टर्ब कर ही दिया है ना, तो पूरा डिस्टर्ब करो, बाद में आने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ किस लिए आए हो, जो कहना है अभी कहो। करेक्ट, वैसे भी पापा कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अभी नहीं तब कभी नहीं। राइट भिड़े अंकल? ओए मीडियम सोडी, राइट लेफ्ट को छोड़ो, जो काम की बात करने आए वो काम की बात करो। भिड़े अंकल हम कहाँ काम करते हैं? हम तो स्टूडेंट्स हैं ना भिड़े अंकल, पढ़ाई करते हैं। देखा माधवी देखा? हाँ मजाक कर रहे हैं है ना? भिड़े अंकल आप ही कहते हो ना हंसी मजाक से मन प्रफुल्लित रहता है, और मन प्रफुल्लित हो तो मन शांत रहता है। मजाक किए बगैर भी मेरा मन प्रफुल्लित और शांत रहता है, कर लो। और वैसे भी मैं तुम लोग का दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा सर हूँ सर, इसलिए मेरे साथ मजाक नहीं है। सॉरी सर। टप्पू भिड़े अंकल कम सर से बात कर ले। और तो भिड़े अंकल कम सर। अरे ये बाबा बात होगी ना भी नौटंकी, काम की बात करो ना। हाँ तो भिड़े अंकल हम आपसे परमिशन लेने आए हैं। हाँ। कैसी परमिशन? आज हमें क्लब हाउस चाहिए। क्लब हाउस क्यों? क्योंकि शाम को टप्पू सेना ने क्लब हाउस में एक फंक्शन अरेंज किया इसलिए। अरे वाह, तैयार हो। अरे तैयार कैसे होंगे, पहले पता तो होना चाहिए ना कि फंक्शन क्या है। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। तो पूछिए ना जल्दी से। हाँ। काय फंक्शन है रे? हाँ माधवी आंटी आज मिनट, क्या फंक्शन क्या है? तो आज शाम को टप्पू सेना की ओर से एक सरप्राइज है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता। सॉरी। What is this टप्पू? मैं टप्पू सेना की मेंबर हूँ और तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज नहीं बताया। Very bad। तुम चारों ने मेरे बिना सरप्राइज प्लान कैसे किया? अरे This is cheating। क्या तुम सब मुझे टप्पू सेना की मेंबर नहीं मानते हो? आज तुम चारों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अरे सोनू कोई पता नहीं है सरप्राइज क्या है, मतलब सोनू टप्पू सेना की मेंबर उसी को पता नहीं। भिड़े अंकल सोनू सोनू सुनना सोनू सुनना सोनू सोनू वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हमने तुझे सरप्राइज के बारे में नहीं बताया, और तू तो टप्पू सेना के लिए बहुत ही स्पेशल है सोनू। अरे तू तो टप्पू सेना की सबसे क्यूट एंड लवली मेंबर है और तू टप्पू सेना से कभी अलग हो ही नहीं सकती। सोनू तुझे पता है हमने तुझे इस सरप्राइज के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सरप्राइज तेरे लिए भी है। हाँ। एंड यू नो व्हाट सोनू, ये फंक्शन तेरे बिना अधूरा है, समझी क्यूट एंड लवली सोनू? थैंक यू सो मच टप्पू। फ्रेंडशिप। अच्छा बीका मंडे टप्पू, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है या हम लोगों के लिए भी है? नहीं माधवी आंटी, ये फंक्शन आपके लिए है, भिड़े अंकल के लिए है, वो सोनू के साथ साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए है। शाम को 8:30 बजे। हमारे लिए भी है फंक्शन। मैंने वो सुरेखा ने दिया हुआ ड्रेस है ना वो पहनूंगी। मैं तो राह देख ही रही थी कि कब मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिल गया टप्पू सेना की वजह से। थैंक यू so much, Tapu Sena. Thank you so much. काय थैंक यू, काय वेलकम. मैंने अभी तक परमिशन नहीं दी है क्लब हाउस के लिए. अभी दे दोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. जब तक मुझे पता नहीं चलता कि सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है, मैं परमिशन नहीं देने वाला. सॉरी भिड़े अंकल, ये सरप्राइज है, नहीं बता सकते. हाँ तो सॉरी गोया, मैं भी परमिशन नहीं दे सकता. सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन आपको परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि हमने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी है. और ये रहा लेटर. किसका लेटर है? कमिश्नर ऑफ पुलिस का. हा? नहीं है, नहीं है. गोकुलधाम सोसाइटी के कमिटी मेंबर का है. अय्यर अंकल और पोपट अंकल ने दोनों ने ये लेटर पे साइन देके हमें परमिशन दी है कि हम क्लब हाउस में ये फंक्शन कर सके. हाँ, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि सरप्राइज क्या है. लेकिन मैं पूछूंगा. अहो माधवी, जरा समझो बात को. ये पूरी तैयारी करके आया है, कमिटी मेंबर्स की परमिशन लेके आया ताकि मैं ना कह सकूं. लेकिन अय्यर और पोपटलाल ने भले ही साइन कर दिया हो, मैं ना कह सकता हूँ, मेरी परमिशन नहीं है. लेकिन पोपट अंकल ने हमें बोला है अगर आप ना बोलोगे तो उन्हें फोन करना है. हाँ टप्पू, पोपट अंकल को फोन लगा. अच्छा, पोपटलाल का नाम लेके डरा रहे हो मुझे? नहीं नहीं अंकल, हम आपको डरा नहीं रहे. लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो पोपट अंकल आपको प्यार से समझाएंगे. पहले पहले अगर मैं फिर भी नहीं माना तो शायद आपकी दुनिया हिला देंगे. आप परमिशन दे दीजिए ना. टप्पू सेना का सरप्राइज हमेशा अच्छा ही होता है. हाँ। परमिशन देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, लेकिन पहले पता तो चले सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है. भिड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है आपको फंक्शन में मजा ही आएगा. हाँ। मजा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे सरप्राइज पसंद ही नहीं है ना. सोनू समझाना भिड़े अंकल को, ये फंक्शन तेरे लिए है और बिना परमिशन के फंक्शन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना. क्या क्या मतलब? बिना परमिशन के फंक्शन नहीं कर सकते ना. बाबा, ये फंक्शन मेरे लिए है, आपकी सोनू के लिए. प्लीज परमिशन दे दीजिए. एक मिनट जरा मुझे सोचने दो. क्या करूं, बिना सरप्राइज जाने परमिशन दे दूं? नहीं, सोनू के लिए क्या सरप्राइज है ये तो जानना ही पड़ेगा. कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दिया. सॉरी मैंने कब परमिशन दी? अरे अभी तो आपने सर हिलाकर हाँ बोला. अरे वो तो मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने ऐसे मुंडी हिलाई थी. परमिशन के लिए नहीं हिलाई मैंने मुंडी. भिड़े अंकल ये गलत बात है. सोनू, माधवी आंटी, सच सच कहना, भिड़े अंकल ने परमिशन देने के लिए सर हिलाकर हाँ बोला कि नहीं? हाँ, मुझे लगा बाबा आपने हाँ ही कहा है. माधवी आंटी, आपको भी लगा था ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा किया ना तो दे दी परमिशन. हाँ, मैंने बोला ना, मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने ऐसे में सोच रहा था. मैंने ऐसे बोला, ठीक है, दे दी मैंने परमिशन. मैंने कहा परमिशन दी? मैंने परमिशन नहीं दी अभी तक. मम्मी काय म्हणते? पोपट भाऊ जो अय्यर भाई ने साइन दे दिए ना, अभी आप भी कर दीजिए ना साइन. प्लीज. ओके मैं साइन करता हूँ. लेकिन 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 सरप्राइज क्या है ये मैं जान के रहूंगा. हाँ भिड़े अंकल, साइन ना प्यार से करना तो क्या फंक्शन का मजा आएगा. भिड़े अंकल यहाँ पे. अरे वाह, साइन. ये कुंडली पता है? क्या चल रहा है ये? मेरा प्यार बरसा रहा था आप पे. मत बरसा गोया, मत बरसा. तुम्हारा प्यार वजनदार और भारी है, डूब जाऊंगा मैं. हाँ मत बरसा. टप्पू सेना आपकी आभारी है. हाँ आभारी. भिड़े अंकल, आपका काम हम कर देते हैं. आपके बदले हम नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं 8:30 बजे क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन है, तो सब आ जाना. मेहरबानी. हाँ मेहरबानी. चलो चलो फ्रेंड्स, अब हमें सरप्राइज फंक्शन की तैयारी भी तो करनी है. चलो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं भी आती हूँ. रुक. सोनू, टप्पू ये सरप्राइज दिल से दे रहा है और ये सरप्राइज टप्पू के दिल के बहुत ही करीब है. और टप्पू ही क्या, पूरी टप्पू सेना ये चाहती है कि टप्पू अपनी दिल की फीलिंग्स सबके सामने रखे। एंड आई प्रॉमिस सोनू, ये सरप्राइज तुझे बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। और तुझे तो इस फंक्शन में आना ही आना है। हाँ, आएंगे बेटा, भिड़े परिवार आ जाएगा फंक्शन में, ठीक है। हाँ। अभी तुम बार बार सरप्राइज की शहनाई बजाना बंद कर दे और मुझे इतना बता दे कि क्या पहनना है फंक्शन में, क्या बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भिड़े अंकल, फंक्शन में जो कपड़े पहनने ना मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं ना, किसी से लेना देना, किसी से लेना देना। भगवान जाने क्या सरप्राइज होगा, अच्छा ही होगा। हाँ। क्या है? आला आला मैसेज आला है क्या? मौका है। क्या पहनना है? कुछ नहीं। नहीं मतलब कपड़ों के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ऐसा लिखा है कि जो दिल चाहे वो कपड़े पहनो। अरे वाह मस्त है, मैं तो सूर्य का ने दिया हुआ ड्रेस ही पहनूंगी। टप्पू ने कहा है मेरे लिए स्पेशल सरप्राइज फंक्शन है, मतलब कुछ तो स्पेशल पहनना पड़ेगा। क्या पहनूं? आहो आप भी रणवीर सिंह की तरह एकदम चमकदार कपड़े पहनना। नहीं, रणवीर सिंह तो मैं बन जाऊंगा माधवी, लेकिन उसके पहले मैं रणवीर कपूर बनूंगा। क्यों? जग्गा जासूस बनके मैं पता लगाऊंगा कि टप्पू ने सरप्राइज में क्या फंक्शन रखा है। लेकिन रणबीर कपूर तो आज के जमाने का हीरो है ना। आप पंकज कपूर बनिए, पंकज कपूर आपके जमाने का हीरो है ना। करमचंद जासूस वो ऐसा गाजर खाते खाते सोचता था ना, मैं आपके लिए गाजर लेके आती हूँ। माधवी वो का जब तक आपको सरप्राइज का पता नहीं चलता ना, आप ऐसे अस्वस्थ रहेंगे एकदम। मी काय म्हणते, आप शवासन कीजिए, घर का वातावरण थोड़ा शांत रहेगा। मन का वातावरण थोड़ा शांत रहेगा। नहीं नहीं माधवी, जब तक मुझे पता नहीं चलता है ना कि सरप्राइज फंक्शन क्या है, मेरा मन शांत नहीं होने वाला, मैं टेंशन में ही रहूंगा। मैंने कहा था ना तुमसे उमा, भाऊजी टेंशन में ही होंगे, आधा दिन भाऊजी टेंशन में ही रहते हैं। मामा मामी अरे अरे हो बाबा तू जिंकला। सोनू कैसी है तू? मस्त। हाय मामी। हाय सोनू। बैठो बैठो बैठो। काय मग आज कसला नवीन टेंशन? अरे नहीं नहीं, टेंशन मतलब टेंशन होता तो लेते हैं, लेकिन दिन भर ऐसे हंसते रहते हैं ये। अरे सोनू बाड़ा तू कितनी बड़ी हो गई है, एकदम क्यूट और लवली हो गई है। मिस वर्ल्ड दिख रही है मेरी सोनू, मिस वर्ल्ड। थैंक यू मामी। आई मैं पानी लेके। हाँ तू तो टप्पू सेना के लिए बहुत ही स्पेशल है सोनू, तू तो टप्पू सेना की सबसे क्यूट एंड लवली मेंबर है, समझी? क्यूट एंड लवली सोनू। और विलास आज तो एकदम सरप्राइज विजिट दे दिया। क्यों बाबूजी, आपको सरप्राइज पसंद नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइज पसंद है मुझे। हाँ ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइज पसंद है मुझे। हाँ क्या लेंगे आप? 5 किलो मसाला पापड़ और 2 किलो कैरी का अचार। अरे आप अचार पापड़ लेने के लिए यहाँ तक आ गए? अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं घर पे आके देखे जाता। और वैसे भी आज मैं दोपहर को तुम लोग के घर के पास जाने ही वाला था। हाँ वो हम पुणे जा रहे हैं तो आई के लिए अचार पापड़ ले जाने हैं, और आई को तो वहनी के हाथ के ही अचार पापड़ पसंद है। थैंक यू। पर पूना अच्छा ना? वहनी आज क्या है? फ्राइडे। तारीख और महीना? 14 फेब है। ओह यस, मैं तो भूल ही गई थी। बाबा आज वैलेंटाइंस डे है। ओह हाँ आज वैलेंटाइंस डे है, यानी प्यार का दिन, रोमांटिक डे। ओह यस बाबा मैं समझ गई, 100% टप्पू सेना ने आज वैलेंटाइंस डे का प्रोग्राम प्लान किया है। सॉरी। अरे हाँ 14 पे वैलेंटाइन डे नहीं का लक्षण नहीं रहा एक्चुअली। यस पता चल गया, फाइनली पता चल गया बाबा। ए सोनू मैं उड़े मारते, बस बस खाली बस। हाँ पता चल गया ना बस। हाँ लेकिन विलास वैलेंटाइन डे का और पूना जाने का क्या संबंध, क्या कळलं नाही? हाँ जब मैं सोनू के जितनी थी तब पुणे के सारस बाग में विलास ने पहली बार मुझे वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था। ओह, तब से लेकर आज तक हम हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन पुणे जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और हर साल विलास मुझे वही प्रपोज करता है जहाँ पे उसने मुझे पहली बार वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज किया था। वाओ, हर साल। हाउ रोमांटिक मामा। बहनी, आपको भाऊजी ने कहाँ प्रपोज किया था? डोमलो प्रपोज वगैरह। हम लोगों की तो अरेंज मैरिज थी ना। सादा आई लव यू बोलने के लिए भी कितना टाइम लगाया इन्होंने। तो आई लव यू पहली बार कब बोला? अरे इतना शर्माते थे कि घर में उन्होंने बोला ही नहीं कभी। खास मुझे खंडाला लेके गए आई लव यू बोलने के लिए। तब पहली बार इन्होंने आई लव यू बोला था मुझे। वो भी 14 फरवरी थी ना। अरे मगर काम करा ना, देखो हम लोग दोनों तो गाड़ी में पुणे जा ही रहे, आप लोग हमारे साथ आ जाना और फिर खंडाला उतर जाना और फिर वैलेंटाइंस डे मना के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेना व्हाट से। और भाऊजी आप बहनी को वही आई लव यू बोला जहाँ पे पहली बार आई लव यू बोला था। ओ गुड आइडिया। और भाऊजी ताई तुम भी पर चलाना खंडाला। अरे खंडाला आपका इंतजार कर रहा है। अरे बहनी, खंडाला में वैलेंटाइंस डे मनाने का मन कर रहा है ना? मन तो हो रहा है लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना। क्यों, आज क्यों नहीं? आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक प्रोग्राम है। हाँ मामी, आज हमारी सोसाइटी में एक सरप्राइज पार्टी है और मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन ही होगा। वैलेंटाइंस डे का प्रोग्राम सोसाइटी में? मतलब सोसाइटी वाले वैलेंटाइंस डे मनाएंगे? क्या बात है। पर वैलेंटाइंस डे तो मोस्टली कपल्स ही मनाते हैं, ये तो प्यार का त्योहार है, मोस्टली तो लवर्स ही मनाते हैं। वो अगदी बरोबर, लवर्स बनाते हैं। क्या बात है, आपकी सोसाइटी में तो सारे सोसाइटी वाले मिलकर वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। ओहो पीड़े भाऊजी, एंजॉय एंजॉय, सारी जोड़ियां धूम मचाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाऊजी। बहनी अभी हमें जल्दी पुणे के लिए निकलना है, वो अचार पापा रेडी हो तो दे दो ना जल्दी। ओह आंटे आंटे लगे साथ। अरे भाऊजी सोसाइटी की फेमस वो टप्पू सेना कैसी है? मस्त मस्त, आज का प्रोग्राम उन लोगों ने ही प्लान किया है। अभी बताया ना तुमने कितनी बार बोलोगी सोनू। है कुछ अभी सरप्राइज, देखते हैं क्या है। हाँ। अच्छा उमा, इसमें तुम्हारे लिए अचार पापड़ और तिल के लड्डू है और आप लोग पुणे जा ही रहे हो तो प्लीज वसंत दादा को ये अचार पापड़ और तिल के लड्डू देंगे प्लीज। ओह नक्की म्हणजे काय। थैंक यू। थोड़ा जोड़े और दे। चला बहनी, इसके पैसे मैं 2 दिन के बाद दूंगी। ओहो, काही हरकत नहीं, ये सब बाद में देख लेंगे। हाँ अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ। चलो ओके, मिलते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय 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 बाय। कागो भाई, अच्छा हुआ वसंत दादा को अचार पापड़ भेज पाई। आई हाँ, टप्पू कितना स्मार्ट है, वो सुबह सुबह जल्दी आके हमें इन्विटेशन देकर चला गया ताकि हमें आइडिया भी ना लगे कि आज वैलेंटाइंस डे है। वो मुझे सरप्राइज देने वाला है इसीलिए उसने मुझे विश नहीं किया। मैं भी टप्पू सेना को फंक्शन में जाके विश करूंगी। हाँ हाँ करना करना, जोरदार प्लान किया है टप्पू ने, नहीं कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जब मैं सोनू के जितनी थी तब पुणे के सारस बाग में विलास ने पहली बार मुझे वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था। उमा ने कहा कि वो जब सोनू की उम्र की थी तब विलास ने उसे प्रपोज किया था। कहीं आज वैलेंटाइन डे पर टप्पू का प्लान सोनू को प्रपोज करने का तो नहीं है? अरे ऐसा ही है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। टप्पू ने चालाकी से मुझसे सोसाइटी में वैलेंटाइन डे मनाने की परमिशन ली है ना। मुझे पहले से पता होता ना टप्पू, तो मैं परमिशन कभी नहीं देता। टप्पू लेकिन तुम भूल गए हो, तुम शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे का प्लान सफल होने नहीं दूंगा। मेरी सोनू को आई लव यू बोलोगे तुम? आई लव यू। Sorry, sorry. I gulab too. Love you too. Oh, Valentine's Day पे मैं आपको गुलाब दे रही हूँ, आपको I love you बोल रही हूँ और आप ऐसा विश कर रहे हैं I love you too. माधवी, माधवी देखो मैं अभी Valentine's Day के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ. तुम्हें वो उमा और विलास की बातों पे से कुछ समझ में आया? आहो वो हिसाब देख लेंगे बाद में, दे देंगे पैसे, वो पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ टप्पू की बात कर रहा हूँ. अब ये दोनों के बीच टप्पू कहाँ से आ गया? टप्पू बीच में आया नहीं है, मैं टप्पू को बीच में ला रहा हूँ. ये टप्पू ने जो आज क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन रखा है ना, वो दरअसल सरप्राइज फंक्शन क्या है मालूम है? नहीं. वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन. अरे हाँ काय जोरदार प्लान किया टप्पू सेना ने. ये शाबाशी की हकदार ही है लोग. अरे माधवी तुम सिर्फ लाइन पढ़ रही हो, बिटवीन द लाइन समझो ना. मंजे मंजे इधर इधर बैठो. आज वैलेंटाइन डे. वैलेंटाइन डे मतलब क्या? प्रपोज डे, प्यार के इजहार का दिन. हो आप सोनू की चिंता कर रहे हैं. आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है. माधवी भरोसा तो मुझे भी अपने सोनू पर. मजालतर आज का वैलेंटाइन डे मेरे लिए टेंशन डे बनने वाला है. मुझे पूरा यकीन है माधवी, आज टप्पू है ना मेरी सोनू को आई लव यू बोलने वाला है, प्रपोज करने वाला है. कुछ भी सोच रहे हैं आप? आपको पता है ना वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं. ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए और उगाच परेशान मत होइए. टप्पू बेचारा कितना निरागस, मासूम और निर्दोष है. टप्पू टप्पू तुम्हें मासूम लगता है, निरागस लगता है, निर्दोष लगता है? अभी छोड़िए ना ये सब, आप आज रात के फंक्शन के बारे में सोचिए ना और पॉजिटिव. मी काय म्हणते, आप शवासन कर लीजिए ना, आसन रेडी है यहाँ. अरे माधवी माधवी तुम कितनी भोली हो, लेकिन मैं भोला नहीं हूँ. समझ गया, मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे? मिशन पर. कौन सा मिशन? सरप्राइज मिशन. मुझे ये तो पता चल गया है कि आज टप्पू वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन करने वाला है, लेकिन सेलिब्रेशन में एग्जैक्टली क्या करने वाला है ये मुझे पता लगाना है. तो आज रात के फंक्शन में पता चल जाएगा ना कि सरप्राइज क्या है. मैं तब तक चुप नहीं बैठ सकता, मुझे पता लगाना ही है कि टप्पू सेना का, खास करके टप्पू का प्लान क्या है. ए शोभत नहीं है तुम्हाला, वो एक शिक्षक हो क्या आप जासूसी करेंगे? माधवी शिक्षक के साथ साथ मैं एक लड़की का बाप भी हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र लड़की के बाप को ही होती है. माधवी हमारी सोनू तो बेचारी भोली भाली है, लेकिन उसका दोस्त जब टप्पू जैसा स्मार्ट हो ना तो बाप को सावधान रहना ही पड़ता है. माधवी मैं कोई चांस नहीं ले सकता, आग लगे इससे पहले आग ना लगे इसकी खबरदारी मुझे लेनी पड़ेगी. जा रहा हूँ. ऐसे ही जाएंगे आप? क्या क्या सोचते रहते हैं, कमाल है भाई. आज हंगामा नक्की है. मला आई लव यू पण म्हटलं नाही नीट. क्या लिखा है? इनविटेशन सभी गोकुलधाम. अरे 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 काय अक्षर का. सभी गोकुलधाम वासियों को आज रात 8:30 बजे क्लब हाउस में रॉकिंग सरप्राइज फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है. सभी को तैयार होकर आना है. ड्रेस कोड जो आपका दिल चाहे वो कपड़े. फ्रॉम टप्पू सेना. ओहो हार्ट अटॅक देणार आहे मला. ये सरप्राइज फंक्शन तो कैंसिल करना ही है मुझे, कैसे करूं? एक काम करता हूँ, सोसाइटी मेंबर से बात करता हूँ और बोल देता हूँ कि सरप्राइज के नाम पर सोसाइटी में कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती. गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर. अरे वाह, सबसे पहले हाथी भाई से बात करता हूँ. भिड़े मास्टर गुड मॉर्निंग. अरे हाथी भाई काय की गुड मॉर्निंग, कुछ गुड नहीं है इस मॉर्निंग में. क्यों, माधवी भाभी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? आते भाई, बात हंसने या नाश्ते की नहीं है, बात बहुत सीरियस है। क्या हुआ? कैसे बोलूं मैं आतिफ भाई? अरे बोलो बोलो। आतिफ भाई, आपका गोली आप ही की तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो उसे अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। हाँ वो करता है। नहीं वो तो करता ही है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उसे ना आप जरा टप्पू की कंपनी से दूर रखो। क्यों, क्या हुआ? मैं गोली को टप्पू से दूर क्यों रखूं? अरे भिड़े मास्टर, टप्पू सेना तो बचपन से दोस्त है, उनकी दोस्ती की तो मिसाल दी जाती है। मेरा मतलब है मिसाल दी जाती है, और तुम कह रहे हो कि गोली को टप्पू से दूर रखो। वैसे टप्पू ने किया क्या है? क्या किया टप्पू ने? यहाँ आइए बताता हूँ ये किया है टप्पू ने। इनविटेशन सभी गोकुलधाम वासियों को आज रात 8:30 बजे क्लब हाउस में रॉकिंग सरप्राइज फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है। सभी को तैयार होकर आना है, ड्रेस कोड जो आपका दिल चाहे वो कपड़े। हाँ मुझे आइडिया आ गया है, आज वो वैलेंटाइन डे है ना, तो वैलेंटाइन के लिए ही कोई फंक्शन होगा, मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा हाथी भाई, वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे मतलब प्रपोज डे, जनरली ये कपल में मनाया जाता है, और टप्पू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय ऐसे फंक्शन आयोजित कर रहा है, और अपने साथ साथ गोली गोगी पिंकू को भी इन्वॉल्व कर रहा है। अरे बच्चे का भी ऐसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन करते हैं क्या? मेरे मास्टर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ? आज का ये मॉडर्न जमाना है, और बच्चे पार्टी अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें भी तो इनवाइट कर रहे हैं, सब साथ में एंजॉय करेंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? समोसे खाने। वो शर्मा समोसे वाला है ना, उसके समोसे एकदम टेस्टी और फेमस है। 9 बजे सारे समोसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने अपने क्लिनिक का टाइम 9:30 का रखा है। चलो मैं चलता हूँ, वरना सारे समोसे खत्म हो जाएंगे। चलो। नहीं नहीं नहीं, आप ही जाइए। कोणाचं काय तो कोणाचं काय, यहाँ पे टेंशन के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, और इनको समोसे की पड़ी है। क्या करूँ ताकि ये वैलेंटाइन डे का फंक्शन ही कैंसिल हो जाए? क्या करूँ क्या करूँ? अब्दुल को पक्का पता होगा कि सरप्राइज फंक्शन क्या है। ए अब्दुल! हाँ बड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने सुना आज वो टप्पू सेना कुछ क्लब हाउस पे सरप्राइज फंक्शन का आयोजन करने वाली है। हाँ बहुत मजा आएगा। गोकुलधाम की शान है टप्पू सेना, गोकुलधाम में जोश उत्साह बढ़ा देती है टप्पू सेना। अब्दुल मैंने तुम्हें टप्पू सेना पर निबंध बोलने के लिए नहीं कहा भाई। क्या बोलने के लिए नहीं कहा? निबंध। निबंध बोले तो ऐसे 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 कैसे? अरे मैंने तुम्हें टप्पू सेना पर भाषण देने के लिए नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टप्पू सेना आज के फंक्शन में क्या सरप्राइज देने वाली है। पता नहीं है? मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन टप्पू सेना ने मुझे बताया नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग आताराम। हाँ गुड मॉर्निंग आताराम। व्हाट हैपेंड? तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? वैलेंटाइन डे पर माधवी भाभी ने रिप्लाई नहीं दिया क्या? अरे यार मुझे और माधवी को छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने वो टप्पू सेना के परमिशन लेटर पे साइन क्यों की? तुमने पूछा क्यों नहीं कि फंक्शन क्या है? आत्माराम सेम क्वेश्चन मैंने पोपटलाल से किया था, तो वो मेरे को बोला कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो। अभी तुमको तो मालूम है ना कि पोपटलाल से आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मैंने साइन कर दिया। अच्छा कल को पोपटलाल तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारा घर तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ये रहे कागजात साइन कर दो, तो कर दोगे? अरे कुल कुल आत्माराम कुल, क्या बात करता है तुम। अरे वो बात अलग है, ये जो सोसाइटी का फंक्शन है ना, और तुमको भी मालूम है कि टप्पू सेना कितना अच्छा फंक्शन करता है। आत्माराम तुमको पता है आज वैलेंटाइन डे पर मेहरा और बबीता का बाहर डिनर पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन टप्पू सेना ने वो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए बबीता को मना लिया, तो बबीता मेरे को बोला कि अय्यर आज हम लोग सोसाइटी का फंक्शन अटेंड करेंगे, डिनर पर कल जाएंगे। अरे लेकिन बिना जाने वो परमिशन लेटर पे साइन नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अब ये आत्माराम ये सब तुम्हें ना पोपटलाल को पूछो, उसको मालूम है। मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, शाम को फंक्शन में मिलते हैं, बाय बाय। ये पोपटलाल भी ना, ये सब ना पोपटलाल की गलती है। अगर वो साइन करने से मना कर देता ना तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब्दुल, बाद में बताता हूँ, सबसे पहले ना पोपटलाल की खबर देता हूँ। पोपटलाल पोपटलाल ओ पोपटलाल, भिड़े भाई फोन करो। हेलो पोपटलाल, तो चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ भाई, तुम काम की बात सुनो ना। काम की बात बाद में, तो पहले ये बता के तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे देवा, ये पोपटलाल भी ना अब्दुल, ये काम की बातें छोड़ के फालतू बातों में ध्यान देता है ना, इसलिए इसकी शादी नहीं होती कभी। क्या बोल रहा तू? शर्म नहीं आती तुझे? शिक्षक होकर मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करता है? अरे पीठ पीछे क्या पोपटलाल, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलने को तैयार हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा है तो इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान देने के बजाय उस मुद्दे की बात पे ध्यान क्यों नहीं देते? अरे क्या मुद्दे की बात? मुद्दे की बात यह है कि टप्पू सेना ने आज जो सरप्राइज फंक्शन आयोजित किया है क्लब हाउस में, उसके परमिशन लेटर पे तुमने साइन क्यों की? साइन करने से पहले वजह जान लेनी चाहिए थी ना। अरे भाई टप्पू सेना हमारा कल है, हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का भविष्य है। वो लोग जो भी करे हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तुझे टप्पू सेना पर विश्वास नहीं है? विश्वास है पर बार-बार कुछ नहीं भाई, बात खत्म। चलो क्या बात खत्म पोपटलाल, बात तो अभी शुरू हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि आज टप्पू सेना फंक्शन में कोई गड़बड़ करने वाली है। नहीं नहीं, टप्पू सेना गड़बड़ कर ही नहीं सकती है, उनका काम एकदम परफेक्ट होता है। अरे भाई तू टप्पू सेना पर शक करना कैंसिल कर, वरना बड़े होके इनमें से कोई भी सेक्रेटरी बना ना तो तेरी दुनिया हिला देंगे। ओ पोपटलाल, मेरी दुनिया कोई नहीं हिला सकता। भिड़े गलत फहमी में मत रहे, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है। अगर आज तूने उनको परेशान किया ना तो सेक्रेटरी बनते ही वो रेसिडेंट सोसाइटी में तू ये जो अचार पापड़ का धंधा करता है, ट्यूशन क्लासेस चलाता है ना, वो सब बंद करवा देंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। ए पोपटलाल, तुम भविष्य के बॉम्ब को अभी वर्तमान में क्यों फोड़ रहे हो? मुद्दे की बात पे ध्यान दो ना। मुझे पूरा यकीन है टप्पू सेना ने जो सरप्राइज फंक्शन आयोजित किया है ना, उसमें वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन ही होने वाला है। भिड़े पॉजिटिव सोच भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में वैलेंटाइन डे का फंक्शन हो रहा है। और हो सकता है टप्पू सेना ने ये सरप्राइज मुझे ध्यान में रखकर ही रखा हो, किसी शादी लायक सुकन्या को इन्वाइट किया हो। जरा सोच भिड़े, तेरे होने वाली भाभी गेस्ट बनकर आएगी और मुझे मिलेगी, फिर हमारी आंखें मिलेगी, हमारे दिल मिलेंगे, फिर वैलेंटाइन डे पर मैं उसे प्रपोज करूंगा, शादी की तारीख तय होगी, दुल्हन बनकर वो मुझे मंडप में मिलेगी और हमारी शादी होगी। और फिर हनीमून पर हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। वापस लौटकर मैं रोज सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, फिर लंच बनाऊंगा, दोपहर में, रात को डिनर बनाऊंगा। और ये देखो सपनों का सौदागर चला भी गया। ये पोपटलाल से बात करके कोई फायदा ही नहीं था, ये मेरा आज का फंक्शन कैंसिल करने का प्लान ही कैंसिल कर देता। अच्छा अब्दुल, भिड़े भाई वो क्या है ना, दुकान जाना पड़ेगा, वो टप्पू से ना कुछ सामान मंगाया है ना, तो रात को मिलते हैं ना फंक्शन में। ओके बाय। ये भी चला गया, क्या करूँ, किसी की मदद नहीं मिल रही है, मुझे खुद ही ये प्रॉब्लम हैंडल करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, खुद ही जाके टप्पू सेना से बात करता हूँ। नहीं हम लोग सुनो, मैं क्या बोला कि सामने लगाएंगे एक अच्छा लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मैं वो फ्यूज चेक कर रहा था। ठीक है सब, बोल बोलो। वो मेंटेनेंस का रिसीव बाकी। अरे हाँ वो मैं देना भूल गया, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, रात को फंक्शन में मिलते। फंक्शन में मिलते, फंक्शन में मिलते, फंक्शन बगलास लगे जाऊँ। तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा। लगा लगा जल्दी लगा गोगी। मैं टिक तू बता। अच्छा सुन, आज के फंक्शन में डीजे एकदम रॉकिंग होना चाहिए। हाँ, और बेस्ट टू बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ही बजाने। ओके, थैंक यू, बाय। अच्छा टप्पू, डीजे वाले से बात हो गई है। आज के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग ही बजेगा। रोमांटिक सॉन्ग ही क्यों बजाने? अरे टप्पू, क्या सोच रहा है तू इतना? सोनू के बारे में। ये टप्पू, सोनू के बारे में क्या सोच रहा है तू? ओए टप्पू, सोनू के बारे में इतना मत सोच। तेरे जो दिल में है ना, वो सीधा सोनू को जाके बोल दे। अरे नहीं गोगी, सोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे सरप्राइज ही रखना है। और अगर मैंने सोनू से डायरेक्ट जाके बात की और दाव उल्टा पड़ गया तो? ये टप्पू को सोनू से क्या बात करनी है? फ्रेंड्स, मैंने सोनू से डायरेक्ट बात की और कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी। सोनू हाँ कहेगी ना कहेगी, टप्पू को बहुत टेंशन हो रहा है। टप्पू, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सोनू तुझे ना बोल ही नहीं सकती। अरे टप्पू, तू स्पेशल है, हीरो। तू टेंशन मत ले, बिंदास बात कर। हाँ। थैंक यू गोली, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सोनू, अब तुझे सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। आज वैलेंटाइन डे के फंक्शन में सोनू को सरप्राइज दूंगा। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। चलो चलते। थैंक यू मत बोला कर। नो बहुत सपोर्ट हो, इतना टेंशन मत ले। अरे देख क्या बोल रहे मुझे, थैंक यू मत बोल प्लीज। अरे मैंने अच्छा नहीं लगता है। बोलो, ये टप्पू माधी को निर्दोष लगता है। टप्पू, तुम्हारा प्लान मैं समझ गया हूँ। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। क्या कहा था? सोनू को सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हारा प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अभी जाके जेठालाल से बात करके उसको वार्निंग देता हूँ और तुम्हारा ये फंक्शन ही कैंसिल करवा देता हूँ। जेठालाल। ये भिड़े इतना तेजी से जेठालाल के घर की तरफ क्यों जा रहा है? जरूर कुछ कांड हुआ है। मुझे जाके पता करना चाहिए, वरना अगर ये दोनों भिड़ गए तो बड़ा कांड होगा। जेठालाल, क्या रे घाबरता काय? घाबरलो नाही मी, राग आलाय मला। आता गाउन टक, जो भी राग गाने की इच्छा हुई है वो गा। कौन सा राग गाना है? राग गैरवी। अरे घेरवी नाही रे जेठालाल, भैरवी असतो। हाँ होगा, ऐकतो मी गा। अरे राग मराठी में राग मतलब गुस्सा, गुस्से में हूँ मैं। क्या हुआ भिड़े, क्यों गुस्से में? अरे मेहता साहब आप? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा था, अचानक मैंने देखा भिड़े बहुत तेजी से तुम्हारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहा है, तो मुझे लगा भाई क्या बात है, जरा पता कर लूँ हुआ क्या है। अच्छा, मतलब आप पंचायत करने आए? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ भाई। मतलब आप इससे वकालत करने आए? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भिड़े, मैं तुम दोनों को समझाने आया हूँ। पर बात क्या है वो जाने बिना क्या समझाएंगे आप? यार भाई जेठालाल, वही तो जानने आया हूँ कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से भिड़े इतनी तेजी से आया है। क्या हो सकता है मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी परेशानी का एक ही कारण है, गड़ा परिवार। बापू जी ने क्या बिगाड़ा तेरा? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो तुमने और टप्पू ने भिड़े का कुछ बिगाड़ा है? भाई मेरे हिसाब से तो मैंने या टप्पू ने, किसी ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसके बाल अपने आप ही उड़े हैं। अरे मेरे बालों को छोड़ो जेठालाल, अपने बाल गोपाल को संभालो। मेरी परेशानी का एक ही कारण है, तुम्हारा सपूत टप्पू। अच्छा, तुम टप्पू के बारे में बात करने आए हो। अच्छा, फिर बात करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस जा रहे? हाँ, तो मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़ते हुए चला जाता हूँ। ठीक है, चल भिड़े। मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, तुम मेरे घर पे नहीं आया हो। आओ इधर आओ। तुमसे बात करने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे ये जा रहे हैं ना भाई, रोज लगभग मैं ही उनको ऑफिस छोड़ता हूँ ना, अभी आज यहाँ घर तक आए हैं और मैं अकेला निकल जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसके लिए। मेहता साहब आप भी रुक जाइए। अरे भाई मैं रुक के क्या करूंगा भिड़े, तुम टप्पू की शिकायत करना है, उसमें मेरा क्या काम है? अच्छा मतलब टप्पू अभी आपका कुछ नहीं लगता? अरे बोल दो ना, इतना से बोल मानो। अच्छा भाई भिड़े बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम ये है मेहता साहब। अरे मुझे क्या बोल रहे हो भाई, उसे बोलो, टप्पू उसका बेटा है। हाँ जेठालाल, लेकिन इसे क्या बोलूं मैं, घर में आते ही तो भौंक करता है, सीरियस ही नहीं है बिल्कुल। जेठालाल सीरियस हो थोड़ा। ठीक बोलो, ये किस टाइप का सीरियस है? मैं बोलता हूँ। मतलब किस टाइप का सीरियस? भाई मैं बोलता हूँ ना। जेठालाल क्या कर रहे हो यार, ये किसी भी एंगल से तुम सीरियस नहीं हो, ये सीरियस होके चलो भाई, सीरियस होके बात सुनो ना। सीरियस होके बैठ के बात सुन रहा हूँ। अरे यार ये कौन सा सीरियस तुम बात? हाँ बोलो भाई। नहीं उसको यहाँ पे खड़ा करो। अच्छा ओके आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है बोलो, अब बोलो क्या है? जेठालाल तुम्हारे टप्पू ने आज क्लब हाउस में एक सरप्राइज फंक्शन का आयोजन किया है। हाँ बोला उसने मुझे, वो वैलेंटाइन का फंक्शन रखा है ना, तभी क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा उसने परमिशन नहीं ली है तेरी? नहीं परमिशन तो ली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन तो सिर्फ एक बहाना है टप्पू का, असली प्लान तो। अरे मैं कैसे मेरी सोनू की बात जेठालाल और मेहता साहब से करूँ, टप्पू का क्या प्लान है, इसमें तो मेरी बेटी के नाम की चर्चा होगी। नहीं नहीं मैं जेठालाल को इनडायरेक्टली बात करके टप्पू को रोकने के लिए कहता हूँ, और वार्निंग भी देता हूँ कि टप्पू कुछ भी ऐसा ना करे जिससे रिश्ते बिगड़ जाए। क्या वो भिड़े सर दर्द हो रहा है? तो तुम एक काम कर, शांति से बैठ, मैं तेरे लिए सर दर्द की गोली लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे कोई सर दर्द नहीं हो रहा है जेठालाल। जेठालाल वो भिड़े चिंतन मनन कर रहा होगा इसलिए ऐसे उसने हाथ। अच्छा अच्छा तो काम करना, शांति से जहाँ तेरी मर्जी बैठ और चिंतन मनन कर। मेहता साहब ऑफिस जाके आता है, मैं दुकान जाके आता हूँ, फिर शाम को तू आराम से बताना। चल। अरे काय चल चल चलने का जेठालाल, मैं कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा था, वो मैं शब्द ढूंढ रहा था, मतलब टप्पू का असली प्लान क्या है ये बताने के लिए। क्या है टप्पू का असली प्लान? ये है कि वो फंक्शन में आपलं ते हे असतं ना ते एक्चुअली किसी को बताया नहीं है कि क्या सरप्राइज है, मेरे ख्याल से वो सबका वक्त बिगाड़ना चाहता है, किसी को नहीं मालूम क्या है। हाँ तो वो तो मुझे भी नहीं बताया उसने, और सरप्राइज जो भी है वो तो फंक्शन में पता चल जाएगा ना भाई, टेंशन क्या ले रहा है उसमें। ठीक है रात को पता चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि टप्पू सेना की सरप्राइज अगर हमें अच्छी नहीं लगी और हमारा दिल दुखेगा तो? अरे नहीं यार भिड़े, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना के किसी सरप्राइज से हम लोगों का दिल दुखाओ? उनका सरप्राइज हमेशा बढ़िया ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप टप्पू की गारंटी लेते हैं कि सरप्राइज बेस्ट ही होगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा? गारंटी की क्या बात है यार भिड़े, भाई टप्पू बहुत ही समझदार लड़का है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। ये बात अलग है कि टप्पू नई जनरेशन का है, नए विचार है, अब इस नई पीढ़ी के नए विचारों से अगर तेरा दिल दुखे और तुझे कोई कष्ट पहुंचे तो इसकी गारंटी तो कौन ले सकता है भाई? नहीं नहीं बराबर, प्रॉब्लम यही है मेहता साहब, ये क्या है अपने जमाने में हमेशा रहता है ना भाई, अपने जमाने से बाहर निकल और आज के जमाने से अपनी टाल से अपना ताल से ताल मिला। पर क्या है तो ये वैलेंटाइन का जो उत्सव है वो तो प्यार फैलाने का उत्सव है। अरे कैसे समझाओ मेरा प्रॉब्लम इसे जेठालाल, मान लो अगर टप्पू सेना जो भी सरप्राइज देने वाली होगी वो हमें अच्छी ना लगे, हम टप्पू सेना को वहीं के वहीं रोक दे तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा ना, या तो टप्पू सेना को बुरा लगेगा या तो हमें बुरा लगेगा, खामखा रिश्ते बिगड़ जाएंगे ना। मेहता साहब समझाइए नहीं इसे। अरे भाई भिड़े तुम समझो, मैं क्या समझाऊं जेठालाल को, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना की वजह से किसी के रिश्ते बिगड़े हो? कभी नहीं हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है देखो टप्पू ने आज तक जितने भी सरप्राइज दिए हैं मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने एक्सेप्ट ही किया ना हमेशा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार टप्पू गड़बड़ करने वाला है। जेठालाल तुम टप्पू को फंक्शन कैंसिल करने के लिए कह दो। फंक्शन कैंसिल? अरे क्या वेड़ा बीड़ा चला है इसका? अरे मेहता साहब आप कहिए ना जेठालाल को कि वो टप्पू से कहे कि प्रोग्राम कैंसिल कर दे। यार भिड़े किस लिए प्रोग्राम कैंसिल कर दे? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, बिना किसी ठोस वजह के प्रोग्राम कैंसिल करने का कैसे कहा जा सकता है भाई? तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, एक काम करते हैं हम लोग सब फंक्शन में जाते हैं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसी वक्त फंक्शन कैंसिल। बस ये क्या मानूस है क्या? हाँ, गड़बड़ होने के बाद फंक्शन कैंसिल करने की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई तो तू भी तो अंदाजा ही लगा रहा है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। जेठालाल ये गंभीर मामला है, सीरियस हो जाओ। सीरियस जेठालाल। जेठालाल यार तुम टप्पू को बोलो कि प्रोग्राम कैंसिल करें। नहीं भाई नहीं, मैं टप्पू को यह नहीं बोल सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, टप्पू अभी बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं रहा कि मैं उसको डांट के एक बाजू पे बैठा दो के बेटा चलो कोई फंक्शन फंक्शन नहीं करना, बैठ जाओ एक बाजू। हाँ भिड़े, जेठालाल की बात तो सही है, टप्पू बड़ा हो गया, अब ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा मेरे पास एक सुझाव है, हम ये काम कर सकते हैं कि जेठालाल टप्पू को फोन करे और फोन करके ये पूछ ले कि भाई आज के शाम के कार्यक्रम में सरप्राइज क्या है, और अगर टप्पू वो सरप्राइज बता दे तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बराबर है बराबर है, अगर मैं सरप्राइज जान जाता हूँ कि क्या है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है करो फोन करो जेठा, लगाओ लगाओ फोन लगाओ फोन लगाओ, तसल्ली हो जाएगी भाई। हाँ केला केला स्पीकर वर केला। हाँ बोलिए पापा। हाँ बेटा कैसा है? हाँ बेटा फंक्शन की सब तैयारी कैसी चल रही है? पापा तैयारी एकदम सुपर्ब चल रही है। ओके एक मिनट बेटा एक मिनट, खास तो मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि आज फंक्शन में सरप्राइज क्या है बेटा? पापा आप शाम को फंक्शन में आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ ना। बस तो फिर शाम को पता चल जाएगा। ठीक है हाँ मेरे लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ क्या भिड़े अंकल भी खड़े हैं, उनके लिए ठीक नहीं है, उनको अभी एकदम जोर से सरप्राइज जानने की उत्कंठा आई है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तू आज फंक्शन में कुछ गड़बड़ करने वाला है। पापा भिड़े अंकल से कहिए कि बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे लेकिन सरप्राइज क्या है बताने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अंकल सरप्राइज क्या है वो सबको रात को क्लब हाउस में ही पता चलेगा। चल भिड़े अंकल, कूल भिड़े अंकल। पापा आज का फंक्शन टप्पू को लाइफ का बेस्ट और मेमोरेबल फंक्शन बनाना है, और आज का फंक्शन बहुत 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 ही स्पेशल है और टप्पू के दिल के बहुत ही करीब है। पापा आज का दिन टप्पू को लाइफ का यादगार दिन बनाना है। बना बना बेटा बना, आज का फंक्शन लाइफ का बेस्ट फंक्शन बना। ठीक है ओके थैंक यू। चलिए अब टप्पू फोन रखता है, हमें फंक्शन की तैयारियां करनी है। बाय पापा बाय भिड़े अंकल। अरे बेटा यहाँ मेहता अंकल भी खड़े हैं। हाय मेहता अंकल, बाय बाय बाय। बस सुना ना, खामखा टेंशन ले रहा है तू। अरे टेंशन में तो बेचारा टप्पू है, सुना नहीं उसने क्या कहा, उसको कैसे भी करके आज का फंक्शन ममरा जैसा बनाना है। ममरा जैसा? आओ बोला ना ममरा बेबल ऐसा कुछ। मेमोरेबल मतलब यादगार, भाई यादगार बनाना है। हाँ वही 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 वही। फिर भी उसने सरप्राइज तो बताया नहीं ना? अरे भाई सरप्राइज तो तूने भी मुझे नहीं बताया था, याद है? याद कर वो अजय भाई काजोल बहन आने वाले थे, तभी पूरा दिन मैंने तुझे कितना पूछा, बताया था ना मुझे। जेठालाल खास मेहमान सरप्राइज है ये बताया नहीं अब्दुल ने? कौन आ रहा है मेहमान? भाई मेहमान कौन है वो वही पता चलेगा। हाँ ओके नहीं शाम को पता चल जाएगा, शाम को पता चल जाएगा, याद है ना? ठीक है हो ना हो, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे कह रही है कि टप्पू आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है। मेहता साहब मैं आपको बोल देता हूँ, आप जेठालाल और टप्पू दोनों को समझा देना कि टप्पू मेरे से या मेरे परिवार के साथ कोई मस्ती ना करे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करे। अगर टप्पू ने मेरे परिवार का दिल दुखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा देना इसे। भिड़े को क्या हो गया? शिक्षक होके गुंडे की तरह धमकी देके गया। हो जाता है जेठालाल कभी कभी, मुझे क्या लग रहा है कि भिड़े के मन में कुछ और है और कह कुछ और है, और वो जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा है। उसके मन में क्या है, किस वजह से चिंता में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कई बार होता है। आदमी जब टेंशन में होता है ना तो उसकी सोच भी बड़ी ऐसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, इस तरह की बातें करने लगता है। लेकिन तुम शांत रहना। नहीं मैं तो शांति हूँ मेहता साहब, आप भिड़े को शांत रखना, क्योंकि अगर फंक्शन में उसने मुझे या टप्पू का कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ आपको। अरे मुझे क्या कह रहे हो भाई तुम जेठालाल ऐसे? भाई नहीं नहीं फिर मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझा देना भिड़े को। कैसे समझाऊं भिड़े को, खुद टेंशन में होगा वो। क्या करूं? जेठालाल तो जेठालाल, मेहता साहब भी मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। आज रात के फंक्शन में टप्पू मेरी सोनू को प्रपोज करेगा और ये मेरा प्रॉब्लम किसी को पता भी नहीं सकता। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज के दिन किसी भी हालत में मुझे सोनू को टप्पू से दूर रखना ही होगा। कैसे कैसे कैसे? अरे भिड़े भाई, आप छक्का हमको क्यों मार रहे हो? नहीं, मार नहीं रहा हूं मैं, वो धूल जमी थी तो झटक रहा था। अभी तक कंपाउंड में हो, सब ठीक है ना? टेंशन में लग रहे हो? नहीं 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 भिड़े भाई, एक बात कहो तो बुरा मत मानना। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कंपाउंड में टेंशन में देखा था। सब ठीक है ना? सब ठीक है अब्दुल, टेंशन मत लो, सब ठीक है। अच्छा, ये टप्पू सेना क्लब हाउस में है कि वही बाहर गई है? हाँ, क्लब हाउस में ही है, सरप्राइज फंक्शन की तैयारी कर रही है। हाँ, फंक्शन की तैयारी कर रही है ना? हाँ बरोबर बरोबर। चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके। ये टप्पू की वैलेंटाइन डे की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। क्या करूं जिससे मैं सोनू को टप्पू से दूर रख सकूं? देखो, हम लोग दोनों तो गाड़ी में पुणे जा ही रहे, आप लोग हमारे साथ आ जाना और फिर खंडाला उतर जाना और फिर वैलेंटाइंस डे मना के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेना। यस, ये बेस्ट आइडिया है। खंडाला जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ, पर सोनू माधवी मानेंगे? बोल दूंगा उनको कि शाम का फंक्शन शुरू उससे पहले आ जाएंगे, तो जरूर मानेंगे। यस 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 यस, अब मेरा टेंशन दूर हो गया। और टप्पू, तुम्हारा प्लान फ्लॉप। Yes. अभी मस्त पैकी खंडाला के लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ। मुंबई उठे खंडाला, एवढे पैसे जाऊ दे, हरकत नहीं। कन्फर्म कन्फर्म। यस, टैक्सी बुक हो गई। भिड़े को क्या हो गया? ऊपर अभी गुंडा की तरह धमकी दे रहा था और अभी देखो छोटे मुंडे की तरह नाच रहा। आओ जरा पूछते हैं माजरा क्या है? मुझे टेंशन देकर खुद ऐसे मस्ती में डोल रहा है। ठीक है, तुम पूछो, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक, जेठा ऑल द बेस्ट। क्यों? अभी तुमने भिड़े का व्यवहार देखा नहीं? ऊपर अभी गुंडों की भाषा में बोल रहा था, नीचे अभी नाच रहा है। लगता है उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है आज, इसलिए ऑल द बेस्ट। छोड़ो, नहीं नहीं पूछो पूछो। चलो ना भाई।